जम्मू कश्मीर के जिले कुपवाड़ा के मांचल सेक्टर में बर्फीले तूफान की चपेट में आने के बाद भारतीय सेना के 3 वीर सपूत वीरगति को प्राप्त हो गए। ये हादसा तब हुआ जब 56 RR के ये 3 जवान LOC पर पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। 17 और 18 नवंबर की दरमियानी रात को अचानक से हुए इस हिमस्खलन की चपेट में ये तीनों जवान आ गए, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव कार्य सेना द्वारा शुरू किया गया और इन तीनों जवानों को बर्फ से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये तीनों जवान मां भारती की सेवा में अमर बलिदानी हो चुके थे। इस हादसे में बलिदान हुए जवानों में शहीद नायक गायकवाड़ मनोज लक्ष्मण राव 41 वर्ष के थे और 2002 में सेना में शामिल हुए थे। वो महाराष्ट्र के धुले जिले के ग्राम चुंचकेड़े के रहने वाले थे। वीर सपूत के परिवार में उनकी पत्नी है। वहीं शहीद लांस नायक मुकेश कुमार 22 वर्ष के थे और 2018 में सेना में शामिल हुए थे। वो राजस्थान के ग्राम सजवंतगढ़ जिला नागौर के रहने वाले थे। अमर बलिदानी अपने पीछे परिवार में मां को अकेला छोड़ गए हैं। अमर बलिदानी गनर शोविक हाजरा 22 वर्ष के थे और 2019 में सेना में शामिल हुए थे। वो ग्राम खमार बेरिया जिला बांकुरा पश्चिम बंगाल के थे। बहादुर के परिवार में अब सिर्फ उनके चाचा हैं। हम और आप शायद अनुमान भी नहीं लगा सकते उनके परिवारों के ऊपर टूटे इन दुखों के पहाड़ का, जिन परिवारों ने महज 22 साल के अपने लाडले देश पर बलिदान कर दिए, जिस पत्नी ने अपना सुहाग देश पर न्यौछावर कर दिया। कुपवाड़ा में शहीद हुए अमर बलिदानियों को शिवालिक जनरल कोटि-कोटि नमन करता है। आपके सर्वोच्च बलिदान का ये देश सदैव ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।